मेरा नाम शाजी नवाब है, मैं चित्राल से ताल्लुक रखती हूँ। मैं चित्राल का एक छोटा सा अपर चित्राल में एक विलेज है लोन नाम का, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं तकरीबन 12 साल से एज ए मोज़ेक आर्टिस्ट में काम कर रही हूँ। मोज़ेक का मतलब होता है पीसेस टुगेदर, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। उसमें पेपर मोज़ेक भी आता है, उसमें ग्लास मोज़ेक भी आता है, उसमें वुड मोज़ेक भी आता है, लेकिन जो मेरी स्पेशलिटी है वो पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल हैं उनके छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ। और मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो घरों के इंटीरियर, एक्सटीरियर और फर्नीचर दोनों में यूज़ हो सकते हैं। लाइक अगर कोई नए घर बना रहे हैं उनके फ्लोर पर भी हम उसको लगा सकते हैं, उनके नीशेज़ के अंदर हम काम कर सकते हैं, और फीचर वॉल भी हम बना सकते हैं। एक्सटीरियर जो बाउंड्री वॉल होता है उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। ये एक परमानेंट चीज़ है, इसको एक दफ़ा अगर हम लगा देते हैं तो फिर ये उतरता नहीं है जब तक आपका घर है, ये भी उसमें लगा रहेगा। तो यहाँ पे जब मार्बल का जब नाम भी लेते हैं तो यहाँ पे सारे मेल ही होते हैं, फीमेल कोई मार्बल इंडस्ट्री में नहीं है। मैंने जब काम स्टार्ट शुरू में बहुत सारी मुश्किल आई थी, जो एज ए फीमेल एज ए उस इंडस्ट्री में जब मैं इंटर हुई थी, कुछ जगह ऐसे थे वहाँ पे मैं मटेरियल भी सारा कुछ उनके साथ, मतलब ये था कि डील मुझे सारे मेल के साथ ही करना होता था, मटेरियल से लेके इंस्ट्रूमेंट से लेके फिर उसको मार्केट करने से लेके सारा कुछ मेरा मेल के साथ ही था। तो शुरू शुरू में काफ़ी मुश्किल थी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक फीमेल है जो इस इंडस्ट्री में भी आई है जहाँ पे फीमेल काम नहीं कर सकते हैं। तो लोग मुझे डिस्करेज करते थे कि आप नहीं कर सकते हैं, काम बहुत मुश्किल है या आपके बस का काम ही नहीं है। काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोग इसको जानते नहीं थे मोज़ेक आर्ट क्या है, किसी को पता भी नहीं था क्योंकि एक एंशियंट आर्ट है, बहुत पुराने रोमन दौर से चलता आ रहा है। तो लोग ये था कि शुरू शुरू में जब लोगों को मैं बताती थी या ऑनलाइन या किसी कॉल के थ्रू कि मैं मोज़ेक आर्ट का काम करती हूँ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था। मैं जाके फिर चीज़ें दिखाती थी, फिर लोग उनको समझते थे, फिर बहुत कम लोग इसकी तरफ आ रहे थे। अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई कि बहुत सारे लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तो इस फील्ड की तरफ आते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि जितना मुझसे हो सके मैं उनको सपोर्ट कर लेती हूँ। पहले मैं ट्रेनिंग देती हूँ, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, मैं हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लेती हूँ, उसके बाद जब वो सीख लेते हैं फिर मैं मटेरियल सारा कुछ जो कि वो परचेज नहीं कर सकते, मार्केट में सर्च नहीं कर सकते, हर जगह नहीं मिलता ये मटेरियल, तो मैं उनको खुद प्रोवाइड करती हूँ, टूल्स प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद फिर वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें शुरू में बना लेती हैं घर में बैठ के। फिर कोई एग्जीबिशन वगैरह होता है तो मैं उनको गाइड कर लेती हूँ कि इस एग्जीबिशन में जाए आपकी चीज़ें सेल हो सकती हैं। अगर मैं खुद जाती हूँ तो फिर मैं खुद अपने पास उनकी चीज़ें डिस्प्ले कर लेती हूँ, तो वो चीज़ें सेल हो जाती हैं, तो आराम से उनकी अर्निंग हो जाती है।